इस वक्त विश्व कप की माहौल चल रहा है पूरी देश में, और ईडन गार्डन्स में बाकी है अभी भी दो मैचे, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैच जो है वो है सेमीफाइनल। लेकिन ईडन गार्डन्स को हम जानते हैं कि ये पूरा बदल दिया गया है, जो क्लब हाउस है वो नई तरीके से सजाया गया है। इस वक्त जो है कोलकाता की ईडन गार्डन्स में विराट कोहली ने बड़ी नज़र जो है किया था, और 49th जो सेंचुरी है ओडीआई सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मारा ईडन गार्डन्स में, 100 मारे। और इसके बाद ईडन गार्डन्स में जो है कि सामने की जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की सामने की जो छवि हमें दिख रही है, उसमें ईडन गार्डन्स में सौरव गांगुली की फोटो पहले से है, झूलन गोस्वामी की फोटो है, कपिल देव की फोटो है, साथ में ईडन गार्डन्स में जो रिकॉर्ड बनाए थे विवियस लक्ष्मण और राहुल द्रविड उनके फोटो भी है, और उसके बाद जिसकी फोटो अब दिख रही है वो है विराट कोहली की फोटो। और यही ईडन गार्डन्स में अब जो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जो 49 सेंचुरी मारी उसके बाद यही फोटो इस वक्त ईडन गार्डन्स की जो बाहर की जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की जो मेन गेट है वहां पे लगाई गई है। हम देख सकते हैं इसके बगल में सचिन तेंदुलकर की फोटो भी है, और साथ में विनू मनकट रॉय एंड मनकट से टेस्ट रिकॉर्ड ये ईडन गार्डन्स में हुआ था, इसकी फोटो भी है। और ऊपर में हमें दिख रहा है स्टीव वॉ, जगमोहन डालमिया, उनकी फोटो है, और साथ में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था T20 वर्ल्ड कप उसका फोटो भी यहाँ पे लगाई गई है। साथ में जो है कि अभी विराट फोटो, विराट कोहली की फोटो जैसी रिकॉर्ड बनी उसके बाद CAB ने ऐसी कहा कि इस जो फेस है ईडन गार्डन्स की जो मेन गेट है उसमें एक विराट कोहली की फोटो लगाया जाएगा। और अभी भी वर्ल्ड कप की मैच बाकी है, और उसमें से ये जो हॉल ऑफ फेम जो एक गैलरी दिखती है ईडन गार्डन्स के सामने उसमें जगह कर ली विराट कोहली ने। कैमरा में प्रशुन बोस के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, आज तक कोलकाता। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।